Hi students, as a part of my revision capsule series, another video which is solely for determination of nature of oxides. There are some tricks जिससे आपको बहुत easy हो जाएगा कि कौन से oxides basic हैं, कौन से acidic हैं और कौन से amphoteric ऑक्साइड्स है. सबसे पहले तो मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को ही ले लिया, जिससे आगे आने वाले वीडियो में आपको बहुत क्लियर रहे कि इनके अलावा हम बेसिक और एसिडिक डिटरमाइन करते रहेंगे. सो फर्स्ट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड भी अभी नहीं कर रहे हैं. वो सब नेक्स्ट पेज पे थोड़ी 10 मिनट बात करेंगे, 5 मिनट बात करेंगे. उससे पहले हम एक ट्रिक देख लें जिससे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स लर्न कर लें. तो ये तो सबको पता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होंगे जो एसिड से भी और बेस से दोनों से रिएक्ट करेंगे. सपोज करो ZN है, तो ZNO एज वी ऑल नो रिएक्ट्स विद HCl एज वेल एज NaOH. बॉक्साइट का हमने लीचिंग देखा, NaOH में भी डिजोल्व हुआ है Al2O3 और वो HCl के साथ तो रिएक्ट करता ही है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रिक टू लर्न एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. देखो, जनाबे अली गाय ZN BeAl एल्यूमिनियम गैलियम SN. सुना करें वो सभी आसमा के 3533 रेफर टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्रभु. देखो, अब क्लियर करो, ZN की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है उसके सब एम्फोटेरिक होंगे. बेरिलियम की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है उसके भी सब एम्फोटेरिक होंगे. Al की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है उसके भी सब एम्फोटेरिक होंगे. गैल्यूमिनियम, टिन, इन सब की, मतलब पहले पांचों की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, SNO, SNO2, सब एम्फोटेरिक हैं. लेकिन क्रोमियम की +3 वाली एम्फोटेरिक होगी, वेनेडियम की +5 वाली एम्फोटेरिक होगी, एंटीमनी की +3 वाली एम्फोटेरिक होगी, आर्सेनिक की +3 वाली एम्फोटेरिक होगी, लेड की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है उन सब के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे. तो याद करो, जनाबे अली गाय सुना करें वो सभी आसमा के 3533 प्रभु. तो 3533 है क्रोमियम, वेनेडियम, एंटीमनी और आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ये सब ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे. पहले पांच में इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, लास्ट में इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बीच के ये चारों में ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आपको याद करनी है. अब मेटल्स के केस में आते हैं. देखो भाई, मेटल्स में सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करें. अगर ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 में है तो वो सब बेसिक होंगे. हाँ, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. जैसे अगर मैं कह दूं कि Al2O3 क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा काम ये था कि एल्यूमिनियम इज अ मेटल, मेटल पे लेके आए क्वेश्चन को. उसके बाद हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, +3 पे आए. +3 से बच्चों ये ना समझना कि वो बेसिक होंगे, क्योंकि नीचे लिख दिया गया है कि एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, इसलिए एम्फोटेरिक की लिस्ट पहले ही बता दी गई है. तो +1 +2 +3 के सब बेसिक होंगे, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. +4 वाले सारे एम्फोटेरिक हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. एग्जाम्पल भी है TiO2 में, याद देखो ध्यान से कि TiO2 टाइटेनियम उस ट्रिक में कवर नहीं हुआ, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेटल्स अगर +4 में है तो वो सभी एम्फोटेरिक हैं.
प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 के सब एसिडिक है, सब एसिडिक है। हाँ, वेनेडियम प्लस 5 वाला याद करो, याद करो 3533 में वेनेडियम प्लस 5 वाला एम्फोट्रिक ऑक्साइड था। तो क्लियर हुआ बच्चों, Mn2O7 बताओ प्लस 7, CrO3 बताओ प्लस 6, Cr2O5 बताओ प्लस 5, Bi2O5 बताओ प्लस 5, ये सब एसिडिक होंगे। क्रोमियम का प्लस 3 वाला बच्चों एम्फोट्रिक था, प्लस 5 प्लस 6 वाले एम्फोट्रिक नहीं होंगे। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में बस बहुत इजी है चीजें, कि नॉन मेटल्स में न्यूट्रल चार याद कर लो, CONO N2O OF2, उसके अलावा सारे रिमेनिंग ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, मतलब वो सिर्फ बेस से रिएक्ट करेंगे। अब आते हैं मेटेलॉइड्स पर। मेटेलॉइड्स सिर्फ 5 हैं, इनके अलावा कोई मेटेलॉइड एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, ध्यान रहे। तो मेटेलॉइड हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलीरियम। तो इसमें ये सब एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखो आर्सेनिक और एंटीमनी के प्लस 3 वाले एम्फोटेरिक की ट्रिक में आ चुके हैं। इसका मतलब आर्सेनिक और एंटीमनी के भी प्लस 5 वाले अगर एग्जिस्ट करेंगे ऑक्साइड किसी और ऑक्सीडेशन वाले, वो भी एसिडिक होंगे, और जर्मेनियम, सेलेनियम, टेलीरियम वाले तो सभी एसिडिक होंगे। तो एक बार फिर से क्लियर कर दें कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स जनाबे अली गाए सुना करें, वो सभी आसमा के 3533 प्रभु, बीच में जो चार आए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखने हैं, बाकी सब के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे। मेटल्स के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 वाले बेसिक होंगे, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स मैं बता चुका हूं, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। प्लस 4 वाले सारे एम्फोटेरिक होंगे, और प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 वाले सारे एसिडिक होंगे, एक्सेप्ट वेनेडियम जो ट्रिक में आ चुका है एम्फोटेरिक की। नॉन मेटल्स के सिर्फ या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या एसिडिक। अब न्यूट्रल और एम्फोट्रिक में बहुत बड़ा फर्क है। एम्फोट्रिक याद करो मैंने बताया एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा था, न्यूट्रल किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, ना एसिड से और ना बेस से। और बेसिक सबको पता है, बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेंगे और एसिडिक ऑक्साइड्स बेस से रिएक्ट करेंगे। अब आते हैं लास्ट मेटेलॉइड्स पर बच्चों, बस 5 मेटेलॉइड याद रखो, 5 ही मेटेलॉइड हैं बस। इनमें से 2 वो भी प्लस 3 वाले आर्सेनिक और एंटीमनी जो ऑलरेडी एम्फोट्रिक की लिस्ट में आ चुके हैं वो एम्फोट्रिक हैं होंगे। इनके अलावा जर्मेनियम, सेलेनियम, टेलीरियम क्या हर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, और आर्सेनिक एंटीमनी के भी और सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड एसिडिक होंगे। रिपीटेडली सुनो, मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। और इसमें जो ट्रिक यूज होती है वो पीरियोडिक टेबल में कवर हो जाती है, कि जैसे ही हम कोई ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है MOH बॉन्ड। अब यहां से अगर बॉन्ड फिशन हुआ तो बेसिक ऑक्साइड है, यहां से अगर बॉन्ड फिशन हुआ तो एसिडिक ऑक्साइड था। याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे ये चीज डिपेंड करती थी, कि बॉन्ड फिशन यहां से होगा कि यहां से होगा। अगर ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो बॉन्ड यहां से फिशन होगा, ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो बॉन्ड यहां से फिशन होगा, और अगर यहां से MO से बॉन्ड फिशन होगा तो बेसिक हो जाएगा ऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोक्सिल रिलीज होगा, और अगर O और H से बॉन्ड फिशन होगा तो एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि H प्लस डोनेट होगा। Thank you very much. Keep subscribing and keep liking my YouTube channel. Thanks all.